एक प्रोफेसर ते इस तरीके इल्ज़ाम लगने, एक लड़की का इस तरीके इस जहान तो रुखसत हो जाना, तो उस तो बाद बहुत सारे बुद्धिजीवी चिंतक अपने अपने टिप्पणियां दे रहे हैं। लगता है कि चिंता की गल है कि यूनीवर्सिटी जां सिक्ख्या के अधारियां दे विच इदां दी घटनावां वापर, चिंता की गल तो हैगी ना कि घटनावां जिहड़ियां वापरियां ने, असीं पुराने जिहड़े सुक रहे दरख्त ने उन्हां नूं पानी देई रहे हां। जे तुसीं उन्हां नूं वड्डो खाओ करी जाणा, ये करी जाणा, रोह पाई जाणा, उन्हां दा बच मर जाणा। साडी नवीं पनीरी है उहनूं असीं जद उच्चे उठाणा है, वो चाहे देश चाहे चाहे विदेश चाहे चाहे पंजाब चाहे, उहदे उत्ते असीं किते तशद्दद कर रहे हां। पंजाबी यूनिवर्सिटी की घटना आ, एक प्रोफेसर नूं लै के बड़े सवाल उठे ने, तुसीं वी जिक्र कर रहे सी, अज कल कोहली का बंदा आचरण वह उस तरीके का है, बहुत सारी चर्चा इधरले पास में, दूजे पास एक तबका यह भी है जो उन्होंने पक्ष पूर रहा है। जे तुम एजुकेशन महकमे देखोगे थोड़ू कभी कोई टीचर नहीं कहेगा भी साडा कोई कसूर, कभी एक दिन भी कहा हो तुम लोगों को आगाह करना है, ये डरते ने ये लुका ने गलों। एक लड़की की जान चले गई, हाँ, किसी परिवार की वह धी सी, किसी की बच्ची सी, किसी का क्योंकि दिल का टुकड़ा होंगे ने मापिया बच्चे, उस चीज़ में भी पोलिटिसाइज किया जाए। नहीं, वो कहने भी गरीब की जोड़ो सबजी भाभी, अमीर की जोड़ो सबजी चाची, क्योंकि वो अमीर है प्रोफेसर, तो प्रोफेसर सारे अमीर ने, वो गरीब की कुड़ी है। वो तो कहते ने मरी हुई का कहते हूँ इंसाफ मंग रहे ने, इन्हों पुछो भी कोई गुनाह हो गया जी मरी हुई का इंसाफ मंग रहे ने, सारी दुनिया मरी हुई का मंगते हैं। वड्डे विद्वानों के हिसाब से तो मरे का इंसाफ ही नहीं मंगना चाहिए, आप लिखे इन्होंने आप पढ़ लो। जो बंदे इन्ने संवेदना तो हीन ने, उन्हें तुम की करो, क्योंकि उन्होंने आपके बंदे बचाना है। इस एफ आई आर के लिखा है सुरजीत सिंह जीवन मौत का घोल कर रहा आई सी यू च पिया, जां तां पारस हस्पताल का डॉक्टर सुरजीत सिंह ते जिहड़ा तफ्तीशी अफसर है पुलिस अफसर, हाँ वो तिने गलत ने, जां ये विद्वान गलत ने, दोहों एक तो गलत हैगा ही है ना। देशभक्त यूनिवर्सिटी का ही मामला भी तुहाडे सामने आया, मेरे तक कुछ तस्वीर पहुंची विद्यार्थियों विद्यार्थियों के नाल, खास करके कश्मीरी विद्यार्थियों से, तो उन्होंने जिस तरीके बदसलूकी हुई, बाद चो इंसाफ जो मंग रहे हैं, अपना ये कह रहे हैं कि साडा भविख खराब हो जाएगा, तो डांगा सुट। इस यूनिवर्सिटी मैं तुम्हें दस दिना, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार रहा, उन्होंने कोई हल हैगा हूँ कि किस तरीके, क्योंकि सीटा तो 60 ही ने, उस तो वह जो बच्चे उन्होंने की होगा, उन्होंने कोई हल नहीं है। मैं जुम्मेवारी ना कहना, विद्यार्थियों का भविख हूँ है, मैं तो कहना मैं इस इदारे के एक कॉलेज में, हम इतने 250 कॉलेज है तकरीबन प्राइवेट, उन्होंने पट्ठा बैठ नहीं है, क्योंकि उत्थे जो ही जिहड़े अनकुआलीफाइड प्रिंसीपल लाते लैक्चरर लाते इन्हों यूनिवर्सिटियां ने उन्होंने हाँ कहता, फिर तो गड़बड़ी होनी। इस गल की चिंता कि वह विद्यार्थियों का हम भविख तो हनेरे चल गया, सरकार की कर रही ने कि उन्होंने नाल कुछ इंसाफ होगा जां नहीं होगा, बड़ी चिंता हो सकती, वो इंसाफ हो सकता है, सरकार से वड्डा दबाव बनाना पड़ेगा। सत श्री अकाल दोस्तों, न्यूज़ ओनली देख रहे हो तुम इस वक्त, तुहाडे नाल तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह भोगल। विद्यार्थी वर्ग नूं लै के हमेशा सवाल ते चिंता रहिंदी है कि विद्यार्थियों के नाल कुछ चंगा होवे, क्योंकि इन्हां दे नाल ही किसी भी खिते ने अपना अगे भविख देखना हुंदा, पर पिछले दिनों दे विच बहुत सारियां घटनावां लगातारता दे विच साडे ते तुहाडे ध्यान दे विच आ रही ने कि विद्यार्थी वर्ग किते ना किते निशाने ते हैगा। ये निशाने ते क्यों हैगा ये जानना बेहद जरूरी हैगा। पटियाला की घटना तो तुम वाकिफ हो, पंजाबी यूनिवर्सिटी दे विच की होया, देशभक्त यूनिवर्सिटी दे विच की होया उहदे बारे भी वाकिफ हो, तो नाल दी नाल विदेशां दे विच जिहड़े नौजवान जा रहे हैं उधरों जिहड़ियां मौत दीआं खबरां आ रही ने उहदे बारे भी तुहाडे तक खबरां जरूर पहुंचियां होणियां। असीं गलबात करनी है साडे नाल अज उचेचे तौर पर डॉक्टर प्यार लाल गर्ग होणगे, गलबात करके समझांगे कि गर्ग साहब इस सारे मसलों नूं किस तरीके नाल देखदे ने। गर्ग साहब, शुरुआत मैनूं लगता कि पंजाबी यूनिवर्सिटी तों कर लईए, तुहाडा लंबा तजर्बा रहा हैगा, तुसीं लगातार इस यूनिवर्सिटी की कार्य प्रणाली नूं भी देख रहे हो, एक प्रोफेसर ते इस तरीके नाल इल्ज़ाम लगने, एक लड़की का इस तरीके नाल इस जहान तों रुखसत हो जाना, तो उस तों बाद बहुत सारे बुद्धिजीवी चिंतक अपने अपने टिप्पणियां दे रहे हैं कि प्रोफेसर का भी पक्ष पूरा जा रहा, कुछ लोग विद्यार्थी जिहड़ी विद्यार्थिन सी उहदा पक्ष पूर रहे ने। ये लगता कि चिंता की गल है कि यूनिवर्सिटी जां सिक्ख्या के अधारियां दे विच इदां दी घटनावां वापरना,
देखो पहला सवाल तो ठीक बिल्कुल सही कहा तुसीं भी चिंता की गलत हैगी हुई है, पर मैं ऐ लगता भी चिंता इस करके भी करनी जरूरी है कि सानू कि ना कि घटनावां जिहड़ियां वापरियां ने असी पुराने जिहड़े सुक रहे दरख्त ने उन्होंने पानी दे रहे हाँ, जिहड़ी नवीं पनीरी साडी अगे आउणी आ उहनूं असीं ग्रो करना हुंदा है, उहनूं सिखाउणा हुंदा, सानू भी किसी ने सिखाया, असीं कहिंदे मां दे पेट चों सिखिया आ, असी उस नूं बंदा तरह रीड ही नहीं करते। नौजवान लड़के लड़कियां ने मान लो उन्होंने कोई गलती करती, उन्होंने प्यार नाल समझाइए, जे तुसीं उन्होंने वड्डू खाऊ करी जाना है, ये करी जाना है, रोह पाई जाना है, उन्हों का मच मर जाता है, तो फिर वो नहीं उठ सकते। कि जेड़ा टीचर कहते जा भाजा तेन नहीं आना कुछ, तैं नहीं ठीक होना, तैं नहीं पढ़न सकना, उन्हें कितने पढ़ना। मैं तुम तां दसदा, मैनू बचपन च याद है एक बार मैनू उत्थे साढ़े स्कूल हाकी खेलते थे, एक दिन मैं कहा मैं भी खेडा करूँ, साढ़े वो हिंदी मास्टर जी होंगे हाकी खिलाने होंगे, वह कहते तुम दाल पीने नहीं खेल सकते हैं, मैं जी दाल पीने तो बहुत ने दुनिया से हाकी उ खेलते हैं, ये बड़े खाना रखो भी कले मीट खाने वाली खेल सकते हैं। तो ये मैं नौवीं पढ़ते गल कही है, सो थोनू कहना पैंदा जब तुम्हें कहे भी तेनों नहीं आना, यह दसना पेगा भी ना सिख हरेक सकता। मैं बतौर क्योंकि मैं टीचर भी हाँ, ये तो प्रोफेसर ने ना, मैं भी प्रोफेसर, मैं मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर हाँ, ये तो पढ़ा के मुड़ के देखना नहीं इन्होंने भी ये सच भी है कि झूठ है। ये तो सुरजीत सिंह ने एक बार कहना शब्द जोड़ तो अपने अपने होंगे ने, जोड़े मर्जी कोई जोड़ दे, पर असं ए नहीं कह सकते भी मिले इलाज तो अपना अपना जो मर्जी दे जाए, स्टैंडर्ड नाले पढ़ाने वेले उ कुछ करना पेगा, इधर भी दस इलाज भी करना पेगा, सो असी डबल कम करते हैं। सो इस करके जो मैं ए लगता है भी कित ना कि असी जी सा नवी पनीरी है वनू असी जब उच्चे उठाना है, वह चाहे देश है चाहे विदेश है चाहे पंजाब है, वो उत्ते असी कि तशद्दद कर रहे हैं, उन्होंने असी पहले तो ठीक तरीके समझाते नहीं, फिर वो तो गलतियां होंदिया ने क्योंकि असं उन्होंने सिखाते नहीं, फिर अभी कहने पहले बड़िया फीसा ला के उन्होंने कोई ट्रेनिंग जी दे दें, वो ट्रेनिंग होंगी घटिया, फिर कहना ये तो अनइम्पलायबल ने जी। ये जी पंजाबी यूनिवर्सिटी की घटना आ, एक प्रोफेसर लैके बड़े सवाल उठे ने, तुसी भी जिक्र कर रहे थे, अज एक बड़ी चीज़ें भी निकल के आ रही, अल्कोहलिक है बंदा आचरण वह उस तरीके का है, बहुत सारी चर्चावं इधरले पासे नूं, दूजे पासे एक तबका यह भी है जिहड़ा उन्हां दा पक्ष पूर रहा है, यह लगता कि इदां दे हालातां दे विच पक्ष पूरन की थां सही की है उहदे नाल खड़ना जरूरी। देखो हुण साडे ना इस तरह हो गया, जे तुसी एजुकेशन महकमे च देखोगे तुहानूं कदी कोई टीचर नहीं कहेगा भी साडा कोई कसूर है, कदी एक दिन भी कहा होवे ये विद्वान है, छड्डो तुसीं इह सुरजीत सिंह वाली घटना, इह तां जो कहना कहन, ये कह देन भी क्योंकि पंजाब के अठवीं दे सरकारी स्कूलों के 55% बच्चों 319 नूं चार ते तकसीम नहीं करनी आउंदी, ये माड़ी गल है, ये कह देन कि पंजाब अठवीं दे पंजाब दे सरकारी स्कूलों के 17.5% बच्चों दूजी की किताब नहीं पढ़नी आती, यह बड़ी माड़ी गल है, ये कह देन भी जे कोई कुड़ी मुंडा गलती करते हैं उन्होंने जे लैक्चरर आपदे जाल च फसा ले, वैसे फसाउंदे नहीं पर जे फसावे तो माड़ी गल है, जे कह देन आप मान लाँगे भी हाँ यार कुछ कहना है, पर मैं बतौर डॉक्टर कहना, बतौर यूनियन का लीडर कहना, बतौर मैडिकल टीचर कहना कि जेड़े बंदे ने 25 की 26 बनानी है, जिन्हें हेराफेरी करनी है, जिन्हें टुटे जुत्तियां वाले मरीज़ को देखना नहीं, वो सानू वोट ना पायो। दूजा जिहड़ा गैर हाजिर रहिंदा असीं मिनिस्टर नूं कहिंदे पैसे दे के गैर हाजिर रहिंदे ने, ये ओपनली कहने असीं कोई लुके नहीं करते, घटिया दवाइया खरीदियां जांदियां ने, लिख के भेजा भी दवाई घटिया, ये तो मरीजों का नुकसान करेगी, दवाई ठीक स्टोर ना हो, गुरदासपुर पोलियो ड्रॉप्स पै रहे असी, मैं 2-3 दिन उत्थों रोड तो लंघा वो गड्डी उदे खड़ी, मैं उतर के साइकिल तो चला गया, वो मैं ये की है कहना जी पोलियो ड्रॉप्स, मैं तो 9 दिनों की खड़ी है, कहना हाँ जी वो डी फजीर आए हैं फलाना, मैं आन सर चिट्ठी लिखती सिविल सर्जन भी उत्थे 9 दिन हो गए मैंने वैन खड़ी देखते हैं, वो सारा पोलियो ड्रॉप खराब हो गए, ये दसा जाए कि करना, इन हिम्मत नहीं, हस्पताल के छत तो इट गिर गई, मैं लिख के भेजता अखबार में खबर देती भी इतने तो भाई इट गिर जाती है, जोड़ा कोई आए ना आपका डोटो पहन के आया करो, तुम्हें लोगों को अगह करना है, ये डरते हैं ये लुका ने गलों, सो एक तो यह है, दूजी गल क्योंकि जवाब दे नहीं, ये कहते असर ये बच्चे जवाब दे है कदम जवाब देंगे हो शर्मन करते हैं भाषण करते हैं, ये बच्चे का सवाल नहीं सुन, इस गल की बड़ी हैरानी है कि एक लड़की की जान चले गई हाँ, किसी परिवार की वो धी सी किसी की बच्ची सी किसी का क्योंकि दिल का टुकड़ा होंगे ने मापे लिए बच्चे तो उस चीज़ में भी पोलिटिसाइज किया जा रहा नहीं, वो कहने भी गरीब की जोड़ो सब्जी भाभी अमीर की जोड़ो सब्जी चाची, क्योंकि वो अमीर है प्रोफेसर के प्रोफेसर सारे अमीर ने, वो गरीब की कुड़ी है, वो तो कहें मरी हुई का कहें हूँ इंसाफ मंग रहे ने, इन्होंने पूछो भी कोई गुनाह हो गया जो मरी हुई का इंसाफ मंग रहे ने, सारी दुनिया मरी हुई का मंगते हैं, जे असी 84 के दंगों का अज तक कतलेआम का इंसाफ मंगते हाँ
तो है वह तो मर गए सारे जे किसी कतल कर दिता कोई वह 20-20 साल केस चलता है वह तो मर गया होंगे इन्हों के ये बड़े विद्वानों के हिसाब न तो मरे का इंसाफ ही नहीं मंगना चाहिए आ लिखे इन्होंने आप पढ़ लो फिर जेड़े बंदे इन्ने संवेदना तो हीन ने उन्हें तुम की करो क्योंकि उन्होंने आपके बंद बचा है मेरा सवाल है कि इसे उत्ते मैं सवाल करने तैयार हाँ भी देखो जी उन्होंने मॉब ने पहला तो इन्हों की जी ये जवाब इन्होंने देना बनेगा कि आ एफ आई आर पई है मेरे को इस एफ आई आर के लिखा है इन्होंने लिखा आपकी बयान च कि सुरजीत सिंह जीवन मौत का घोल कर रहा है आई सी यू च पिया ठीक हो गया 16 तरीक का बयान है यह कि असं अज कहने 15 तरीक की रात में सुरजीत सिंह दे बारे उतों के डाक्टर ने प्राइवेट हस्पताल है वह यूनिवर्सिटी के पैनल से उन्हें लिख के दिता कि बयान देने फिट है पुलिस वाले पुछन पुलिस ने लिखा कि मैं पूछा उन्होंने लिख के दिता बयान देने फिट है एक गल होगी दूजा सुरजीत सिंह ने लंबा चौड़ा बयान दिता है उत्थे कोई झिझक नहीं उन्होंने उत्थे कोई औखा नहीं होया कोई गलत शब्द नहीं बोलिया वो जो जहा भी जो भी उन्हें बयान देना सी गलत मीन बोलते बोलते रुकया नहीं ठीक हो गया तीजा वो यह है भी वो रात में 1 बजे है ठीक हो गया हुण जां तां पारस हस्पताल का डॉक्टर सुरजीत सिंह ते जिहड़ा तफ्तीशी अफसर है पुलिस अफसर हाँ वो तिने गलत ने जां ये विद्वान गलत ने दोहों एक तो गलत है ही है ना क्योंकि तो कहिंदा मरन किनारे पे है फिर दूजी गल ये कहिंदे उहदे ग्रीवस इंजरी है डॉक्टर ने MLR दे विच लिखिया है भी ये इको एक सट है वह खुंडे चीज़ नाल लगी हुई है बलंट बलंट है तो हुण ये भी जां वह गलत है जां ये गलत ने हाँ यो गल वक्री है भी उन्होंने मुड़ के भावें यह 308 का पुर साबित करने वास्ते कह दें भी ये तो सिर च फलानी सी जी अंदर सट सी फलाना कुछ भी कह सकते हैं पर सवाल यह भी इन्होंने गलों का जवाब देना पेगा ये कहना कि तुम मुरजा का इंसाफ नहीं मंगना तो मैं लगता भी वो कोई विद्वान चिंता की गल है वैसे भी कि विद्वाना के मुँहों जो अपने आप विद्वान कहें बोलने बिल्कुल गरसब दूसरे पास देश भगत यूनीवर्सिटी का ही मामला भी सामने आया मेरे मेरे तक कुछ तस्वीर पहुंची विद्यार्थियों विद्यार्थियों के नाल खास करके कश्मीरी विद्यार्थियों से तो उन्होंने जिस तरीके बदसलूकी हुई तो जो विद्यक अदारों के इदा दटनावान वापरदी तुम क्योंकि मैडिकल खिते संबंध रखते हो किस तरीके बच्चों पहला धोखा होया भी सीटा किनिया अलॉट स किनिया रख लिया गई बाद चो इंसाफ जो मंग रहे हैं अपना ये कह रहे हैं कि साड़ा भविख खराब हो जूगा तो डांगा सोटे आ कुछ बिल्कुल यह होंगे इस यूनिवर्सिटी मैं तुम्हें दस दिना क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार रहा ये अं करते हैं पहला तो उदो यूनिवर्सिटी नहीं बनी थी ये उदो साढ़े नाल सी इन्होंने डेंटल कॉलेज बच्चे दाखिल कर ले बिना मैरिट वाले कर ले फिर उन्हों का इम्तिहान ना हो हाई कोर्ट तक गए असें कहना ये नहीं संभव ये नहीं हो सकता जो बच्चों ने नहीं हो इम्तिहान बच्चे आए साढ़े को कट्ठे हो गए असें कहा थोड़ा तो गुमराह कर रहे हैं थोड़ा गलत दाखिल करे असी सो इस करके जिहड़ा हैगा बच्चों सीटा तो वध दाखिल करना एक इत्थे इंदौर का कॉलेज सी उन्होंने सीट 250 अलॉटड से उन्होंने 300 बच्चा दाखिल कर लिया क्योंकि पैसे नहीं जाते हैं सर इतने मैं क्योंकि विद्यार्थी बहुत सारे वीडियो देख रहे होने जे इस वे उस यूनिवर्सिटी के पढ़ रहे हैं उन्होंने कोई हल है हूँ कि किस तरीके क्योंकि सीटा तो 60 ही ने उस तो वह जो बच्चे उन्होंने की होगा उन्होंने कोई हल नहीं है जब वह बच्चे जोड़े ने यह जी रेगुलेटरी बॉडी है यूनिवर्सिटियां रेगुलेट करने वास्ते तो इन्होंने बनाई नहीं पर फिर भी जिहड़ा मैडिकल एजुकेशन ते हायर एजुकेशन है दोनों सवाल फिर भी पूछ सकते हैं क्योंकि दोनों तरह के केस बल्कि PTU जिहड़ा टैक्निकल एजुकेशन वो भी पूछ सकता है क्योंकि तिने तरह के कोर्स रन करता है तो उन्होंने पूछा नहीं उन्होंने अखा विच ही रखी तो अखा आम ही अपन पता ही है क्यों विचे जाओ कहते अखा चंदा दो है आम होंगे भी जी तुम ना वो पहिए ला दो फाइल से वो पहिए लागे हो गए मैं क्यों कहना मैं जिम्मेवारी ना कहना विद्यार्थियों का भविख हुण है मैं तो कहना मैं इस इदारे के एक कॉलेज में इंस्पैक्शन कर गया स्पैशल इंस्पैक्शन तो मैं ऑफर कर जा रहा है पहले दूजे इंस्पैक्शन देन लगे वो कहना भाई उधर सारा करता मेरे को आए मैं तेन पता हूँ ही रिजेक्ट कर देना चुप करके चला गया फिर दूजे ने भी की लेना सी मतलब दे ट्राई टू ऑफर अच्छा वो मैं भी नहीं कहना क्योंकि जो इंस्पैक्टर जाते हैं वो भी कहे बड़े मानस होंगे ने वो भी चाहते हैं भी सू दौ नहीं तो अभी नहीं लिखना बिचों मजोरिटी तो उही होंगे ने इतने यूनिवर्सिटियां आम ही है आ जड़िया यूनिवर्सिटियां ने ना आ जिन्हें कॉलेजों का रौला पैंता मिस्टर कई ने एक यूनिवर्सिटियां के जेडे कॉलेज के प्रोफेसर के लीडर वो यूनिवर्सिटियां ने इंस्पैक्शन करनी होंदिया ने रोज़ ही कोई धरना बजारा करते रहते हैं भी देखो जी इन्होंने आ नहीं कर इलीगल बंदियां अनकुआलीफाइड देता सो ये बहुत कुछ रलिया होया हैरानी है कि रल जाते हैं उत्थे
कॉलेज हूँ इतने 250 कॉलेज है तकरीबन प्राइवेट उन्होंने तो पट्ठा बैठना ही है क्योंकि उच्च ही जेडे अनकुआलीफाइड प्रिंसीपल लाते लैक्चरर लाते इन्होंने यूनिवर्सिटिया ने उन्होंने हाँ कहता फिर तो गड़बड़ी होनी इस गल की चिंता कि वो विद्यार्थियों का हम भविखता हनेरे चल गया सरकार की कर रही ने कि उन्होंने कुछ इंसाफ होगा ज नहीं होगा बड़ी चिंता वो इंसाफ हो सकता है सरकार से व्डा दबाव बना पाएगा हालांकि उन्होंने यूनिवर्सिटी अधिकारियों खिलाफ तो दर्ज बहुते कश्मीरी विद्यार्थी ने हूँ 400 BC का केस हो गया जो केस तो दर्ज करता पर केस कला नहीं हेल्प करेगा हूँ वो कोशिश करना जिमें पहला इन्होंने चिंतपुर्नी कॉलेज उन्हें नजायज़ दाखिल करने से वो बच्चे शिफ्ट करे आ बनूर कॉलेज के बच्चे शिफ्ट करे एक भीखी कॉलेज से असं उदों उत्थों शिफ्ट करे बहुते कॉलेजों चो बच्चे शिफ्ट होंगे ने इदा जब कोई गड़बड़ होंगी है सीटा वैकेंट हो जाए सीटा वैकेंट हो बच्चे भेज दे सर आखिरी क्योंकि एक बड़ी इस वेले संवेदना हैगी जो मैं शुरुआत जिक्र किया बहुत सारे विद्यार्थियों का रुझान हैगा विदेशों जाने का तो उत्थों भी मंदभागी खबरें आ रही ने कि हले विद्यार्थी 5 दिन हुए सी डैथ हो गई हफ्ता होया सी मौत हो गई ये खबरें भी थोड़े ध्यान है इस वे कारण की बन रहे बिल्कुल है पिछले मैं एक प्रोग्राम भी खिच कर रहा कि बच्चों मानसिक तौर पर तैयार करो पहले तो जाने वास्ते ये बच्चे तो उ जिम्मे होंगे ना बाजार गए तो समान फटाफट हो नहीं बन गया सौदा हो गया इदा नहीं करते आप रिश्ता मिल गया हो गया फलाना हो गया प्लस टू तो बाद एक उन्होंने तैयार करना दूजा उन्होंने कोई टैक्नीकल ट्रेनिंग दे दो इतने जिही जी मर्जी दे दो उत्थे जाके कुछ रोटी कमा लेगा वो सो जब तुम ये दो गल नहीं करते तीजा उन्होंने समझा दो उत्थे भी ठग है उत्थे ना दसो भी उत्थे सारे बड़े हाँ साध ही बैठे ने हरा हरा ना दिखाओ उनको उत्थे काला भी हैगा सो फिर वो बच्चे समझ आते हैं कि तीजी गल उ कोशिश करते हैं साड़िया धार्मिक जथियां विशेष करके गुरुद्वारे उन्हें उत्ते भी कई तरह के दोष जान के ला देंगे भी ताकि गुरुद्वारे उन्होंने सहायता ना कर सो यही साढ़े को अल्टरनेटिव ने होर कोई बहुत अल्टरनेटिव व्यक्ति नहीं कोई कर सकता किसी की मदद वैसे मानते एक भी चर्चा चल रही है कि उधर ड्रग ले लेंगे ने नशा कर लेंगे फीम उत्थे दी मिक्स हैगी बहुत खबर उधरों इदा दी आ रही कि विद्यार्थियों देता जिहड़ा सानू उरे दस्या जांदा ना ये जमा ही होर तरह के सब जवाब दिखाए जाते हैं अमरीका 48,000 बंदा अमरीका तो बहुत 33 करोड़ की वधी है सारी सानू 34 हिस्सा वधी है 48,000 बंदा फीमी नशे नाल मरदा उस हिसाब न तो साढ़े तो हर साल 2.5 लाख बंदा मरना चाहिए इन्ना तो साढ़े मौत नहीं होंगी भारत फीमी नशे नाल पर नशा का घर सानू कहा जाता है इन्नी करोना चो मैक्सीम डैथ हुई साढ़े तो उन्नी हो नहीं सानू कहा जाता थोड़े बहुत हुई करोना चुके हर दूजे बंद करोना हो चुका हाँ सो इस करके उत्थे बहुत कुछ है उत्थे गैटोज भी है उत्थे मैक्सीके भी है जेडे लेबर करते हैं बेचारे सो असी जब बच्चों इतों भेजते हैं उन्होंने ये दस के भेजिए उत्थे आ हालत ने आ दिक्कत ने इन्ना ध्यान रखी वो ना तो साढ़े आईलेट सेंटर दिखा ना साड़ी सरकार कोई उदा की कोशिश करे भी असं इन्होंने समझा दीए बस तो ना भाई कोई पेरेंट्स को उदा के सोर्स ने ना कोई अजक कोई दस के राजी है स्कूलों का हाल माड़ा अगे स्कूलों के एक काउंसलिंग होंगी सी सीनियर सैकेंडरी स्कूलों खास करके डिस्ट्रिक्ट लैवल के काउंसलर होंगे सी हूँ मैंने नहीं पता कि करते हैं वो चंगी तरह जाके बच्चों काफ़ी गल्ला समझाते तो कैरियर किमें हो सकता है तुम्हें की ऑप्शन इतने ने की ऑप्शन बाहर ने उन्हें बच्चा थोड़ा चेतन हो जाता है सो ये गल है सो इतने मैं लगता है भी कि ना कि साढ़े जोड़े जे मैं एक गल कह के खत्म करनी हो मैं ए लगता है भी बाबा फरीद ने कहा जा लभता ने कहा लभता कूड़ा ने खिचड़ चट लंघाई है छप्पड़ टुटे में साढ़े अज जे पढ़ाने वाले ने बहुते उन्हों का ही व्यापार बन गया आप मोटी तनखा लेनी आप लैना की है बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता पास हों नहीं हों कुछ आ नहीं आजा रो पाना क्यों मैं कहना जिम्मेवारी इस करके कहना एक राइट टू इनफॉर्मेश एजुकेशन एक्ट बनया सिक्ख्या अधिकार कानून वो जो दो बड़िया माड़िया धारा सगिया एक तो सी भी बच्चे हर अगली क्लास भेजी जाना दूजी धारा सी बच्चे एज अप्रोप्रिएट क्लास दाखिल करना यानी कि जो बच्चा 11 साल का है कभी भी स्कूल नहीं गया उन्होंने 5वीं दाखिल करना यदि इस धारा की किसी ने विरोधता नहीं करी हालांकि धारा ज़्यादा माड़ी है तुम 5वीं कैसे पढ़ा दोगे उन्होंने पर जो फेल करने वाला सी क्योंकि वो टीचर जी चौधर से उदों तो बड़ा रौला पाया सो इतों पता लगता है भी जो पहला कानून बन वे नहीं बहुता जोर पाया जब बन गया उदो आ तारा नहीं दूजी भी यही गलत है वो उत्ते रौला पाया क्योंकि थानेदारी साढ़े टीचर एक जो विधवता दे जो आपके औरा दे बच्चों को कंट्रोल करना होंगे देखो टीचर को बच्चे ना जे टीचर शांत उन्नी चुप कर जाते हैं बच्चे इन्ना तो हिम्मत नहीं है क्योंकि साडा टीचर अज मॉरल लैवल से बच्चे कंट्रोल करने तैयार नहीं डंडे नाल कंट्रोल करना चाहता जां सज़ा दे के करना चाहता एक उदाहरण दे के खत्म करना आपकी गल मैं एक लैक्चर दे रहा कॉलेजों के डॉक्टरी नर्सिंग के
फिजिक्स इन हैल्थ एंड डिजीज़, भौतिक विज्ञान का सेहत दे विच की प्रभाव है। गुरु नानक कॉलेज है उत्थे मुक्तसर, मैं उत्थे गया, बड़ा हाल उन्हां दा ऑडिटोरियम, उस बच्चे बैठे, बच्चे पहले तो रौला ही पाते हैं, तो उन्होंने जो मालिक से वह भी आए हुए भी रजिस्ट्रार आए हैं, तो वो उन्होंने चुप करना, तुझे नहीं चुप चुप करवा, जे मेरे लैक्चर दम होया तो पंजा मिनटों बाद चुप कर जाएंगे, जे ना दम होया भावें डंडे मरी जायो, ये तो भी चुप नहीं करने, थोड़े दम होना चाहिए गल च। जब तुम लैक्चर लेने हो लोग आशा कर रहे उठते, आ मदारी की करता, वो दही भुट जाता बंदा आपकी हाथ तो। सो थोड़ा जो कम है, यू शुड बी लाइक ए जगलर। मेरे टीचर होंगे कमिस्ट्री के गुरचरण सिंह जी, वो सारा वो गाइडर से उन्होंने टीचर बथेरिया करते, सारा उन्होंने भर जाना चाकड़ा पढ़ाते, कमाल का सी फिजिक्स के टीचर, मैडिकल कॉलेज मेरे टीचर, मैं तो हैरान मानता सी जिवें पढ़ाते, वो मस्त हो जाते पढ़ाते हुए, अज तो टीचर तो मस्त होंगे ही नहीं, पढ़ाते ही नहीं, पहला तो जो पढ़ावे तो मस्त होंगे ही नहीं। बहुत शुक्रिया। सो इस डॉक्टर प्यारलाल गर्ग तमाम मसले पर गलबात करके समझने की कोशिश की है कि जो वक्त थावान पर वक्त मसले हो रहे हैं, इन्हों किस गंभीरता के नाल देखते हैं, बड़े बरीक तो बड़े सहज ढंग दस्या कि जी पटियाला यूनीवर्सिटी के घटना वापरी वेद की करना चाहिए सी, उस तो बाद देशभक्त यूनीवर्सिटी के जो हालात ने उन्हों का भी चंगी तरह इन्होंने वेरवा दिता कि की, क्योंकि उत्थे दे रजिस्ट्रार रहे हैं तो बड़िया बरीक चीज़ा समझते हैं, तो विदेशों के घटनावां वापरिया ने उन्होंने बारे भी तफसील दस्या है कि क्यों वापर रही ने की कर लेना चाहिए, तो इस बारे की सोचते हो, अपने कमेंट अपने टिप्पणियां जरूर साझा करो। सहयोगी लखविंदर के नाल हरदीप सिंह भोगल, न्यूज़ ओनली चंडीगढ़।